जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 26, 27, 28, 29, 30 पर चर्चा करेंगे। यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम स्थिरम तत् सततो नियमेत आत्मनेव वशम नयेत। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत ही चंचल और अस्थिर होता है, यह बार बार इधर उधर भटकता रहता है, जिससे उसे एक जगह स्थिर रखना कठिन हो जाता है। लेकिन जब भी मन कहीं भटकने लगे तो उसे धीरे से वापस लाकर आत्मा पर यानी अपने अंदर केंद्रित करना चाहिए। अर्थात मन को साधने का या नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और आत्म नियंत्रण, जिससे मन को वापस आत्मा पर केंद्रित किया जा सकता है। प्रशांत मन समहीनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांतरम जसम ब्रह्माभूतम कल्मषम। योग के अभ्यास से मन को शांत, शुद्ध और पवित्र बनाया जा सकता है। जब व्यक्ति की सभी इच्छाएं शांत हो जाती है तो मन में एक अद्वितीय शांति और निर्मलता आती है। इस स्थिति में योगी का मन और आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। यह आत्मा की सबसे उच्च अवस्था है, जिसमें योगी खुद को ब्रह्म के साथ एकीकृत अनुभव करता है और सभी प्रकार के दुखों से परे एक परम सुख का अनुभव करता है। यन जैनन एवं सदात्मनम योगी विगत कल्मश सुखेन ब्रह्मासम स्पर्शम अत्यंतम सुखम अनुष्ठते। योग का मतलब केवल आसनों या शारीरिक अभ्यास तक ही सीमित नहीं है। असली योग का उद्देश्य हमारे भीतर की शुद्धता और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है। यहाँ योगी से मतलब उस व्यक्ति से जो अपने मन, शरीर और आत्मा को साधने में लगा रहता है और योग के मार्ग पर निरंतर चलता रहता है। अर्थात जब हम सच्चे मन से योग का अभ्यास करते तो धीरे धीरे हमारे अंदर की सारी नकारात्मक इच्छाएं और भौतिक प्रदूषण समाप्त हो जाता है। ऐसे में हमारे अंदर एक शुद्धता आ जाती है और हम एक गहरे सुख और शांति के अनुभव करने लगते हैं। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें संदेश देना चाहते हैं कि सच्ची मुक्ति और पूर्ण आनंद हमें केवल योग और ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षत योग युगात्मा सर्वथा समदर्शन। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति योग को साधना में पूरी तरह से स्थित हो जाता है, उसे सभी जीवों में एक समान आत्मा का अनुभव होता है। इस अवस्था में योगी को यह महसूस होता है कि आत्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है और सभी उसकी आत्मा में समाहित है। अर्थात जब हम योग और ध्यान में पूरी तरह से लीन होते हैं तो हम न केवल अपने शरीर भीतर शांति पाते हैं, बल्कि हमारे मन में सबके प्रति समानता और प्रेम का भाव भी जागता है। यह दृष्टिकोण सभी भेदभाव से ऊपर है, जहाँ योगी सबको एक समान देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मपि पश्यति तस्यम न प्रणश्यामि सच मेन प्रणश्यति। एक सच्चा भक्त जो कृष्ण भावनाओं में पूरी तरह स्थित है, उसे हर जगह भगवान के दर्शन होते हुए व्यक्ति भगवान को हर जीव और वस्तु में देखता है और उसे अनुभव होता है कि सभी चीज़ें भगवान में ही समाहित है। अर्थात जब कोई व्यक्ति हर जगह भगवान को देखता है और हर वस्तु को भगवान के साथ जोड़कर देखता है, अर्थात एक सच्चा भक्त खुद को और इस संसार को परमात्मा का ही अंश मानता है। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।